What's up guys, welcome back to my channel Peak of Gaming। आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5 का story mode। तो चलिए आज का gameplay शुरू करते हैं। Okay guys, तो आज हम फिर से Simeon से मिलने आए हैं और आज का मिशन थोड़ा सा धांसू होने वाला है। ये क्यों ये आपको आगे मिशन में पता चलेगा। तो अभी हम सिमियन से मिलने आए हैं और वो हमें क्या करना है वो बताने वाला है। तो चलिए सुनते हैं वो क्या कहता है। Hampstead of Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. Okay guys, तो सिमियन ने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है। वो कह रहा है कि हमें वो जब पहला एपिसोड आपने देखा होगा तो उसमें वो एक बच्चे से लड़ रहा था और वहाँ पे वो एक कार उसे बेचने का मना कर रहा था। वो जबरदस्ती उससे ये कार ले गया। अब हमें उससे ये कार वापस लानी है। और अगर आपने वो पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि हमने उसमें माइकल की बात की थी, जो हमारा दूसरा कैरेक्टर होने वाला है। हम आज उसी के घर जाने वाले हैं क्योंकि वो बच्चा था वो माइकल का ही बेटा था और हमें उसी से कार वापस लेनी है। तो चलिए अभी माइकल के घर चलते हैं। अभी मेरे पास कोई कार नहीं है तो हम यही कार चुरा लेते हैं। मुझे कार का रेडियो बंद करना पड़ा क्योंकि अगर हम उसमें कोई कॉपीराइटेड गाना चल जाता तो मेरे को स्ट्राइक आ जाएगा। का कॉल आया है, वो कुछ बताने वाला है। Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you. Simeon बोल रहा है कि अगर उसे हमें ये मिशन नहीं करना है तो वो किसी और को भी भेज सकता है, लेकिन फ्रैंकलिन बोल रहा है कि नहीं, वो ये मिशन कर देगा, वो ला देगा उसके घर से वो कार। Simeon बोल रहा है कि उसका घर वैसे ही खुला नहीं होगा, हमें घर के अंदर जुगाड़ लगा के जाना होगा। तो चलिए अभी घर के अंदर चलते हैं। अभी यहीं आगे ही है माइकल का घर, तो वहीं चलते हैं। तो यही है माइकल का घर। अभी हमें बाहर अंदर घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। इसके लिए एक भी गेट खुला होगा तो हम उसमें से ही चले जाएंगे। चलिए गेट बंद है, यहाँ से नहीं जा सकते। ये गेट भी बंद है। ओके मैं शायद यहाँ से चढ़ जाऊँ। ओके गाइस, तो हम शायद यहाँ से अंदर घुस सकते हैं। ओके हम घुस चुके हैं। ओके अब हमें उस गार्डनर को पहले मारना होगा, वरना वो शोर मचा देगा तो कोई आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे कि हम घर में घुसे। तो हमें धीरे से जाना होगा, धीरे धीरे जाएंगे और उसे मार देंगे। ओके अब हम धीरे से जाएंगे और उसे अभी यहीं मार देंगे हम, ताकि वो किसी को बताए ना। ये क्या, ये तो एक ही गुस्से में गिर गया। चलिए अब घर में घुसते हैं और देखते हैं कार कहाँ पर है। ओके गाइस, तो कार यहीं पर है। ये गैराज खोल के देखते हैं। नहीं, ये गैराज नहीं खुल रहा, हमें घर के अंदर से इसमें आना होगा तब ये खुलेगा, क्योंकि ये सेंसर वाला गैराज है तभी खुलेगा। दरवाजा खुला है तो हम दरवाजे से ही जाते हैं। नहीं, दरवाजा भी लॉक दे, हमें और कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर ये खिड़की खुलेगी तो हम इससे चले जाएंगे। खिड़की भी नहीं खुल रही। ये विंडो, वो वाला दरवाजा देखते हैं, अगर वहीं से जा सके तो।
नहीं जा सकते, ये भी लॉक है। इधर भी एक दरवाजा है, ये भी लॉक है। ये खिड़की भी बंद है, ये भी नहीं खोल सकते हम। अब हमें और कोई जुगाड़ लगाना होगा तभी हम जा सकते हैं घर पे। ऊपर वाली खिड़की वो बंद है। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक खिड़की खुली है, हम वहीं से जाएंगे अंदर। पहले इस कार पे चढ़ेंगे और वहां से कोशिश करेंगे कि हम खिड़की पर जा सके। ओके ओके, हो गया, हम पहुंच गए खिड़की तक। अब हमें घर में धीरे से चलना होगा वरना किसी को पता चल जाएगा कि हम घर में घुसे हैं। धीरे धीरे चल के हम गैरेज तक पहुंच जाएंगे और उसमें से कार निकल कर चले जाएंगे। ओके, यहीं पर है गैरेज, हम गैरेज में जाके, ये रही कार। चलिए अब कार निकलते हैं और निकलते हैं फटाफट से यहाँ से। ओके गाइस, तो अब हमें कार मिल गई है, अब हमें जल्दी से इसे सिमियन तक पहुंचाना होगा। उसने बोला था कि कार में जितना कम डैमेज हो वही उतना अच्छा है, लेकिन हम कम डैमेज में तो नहीं पहुंचा पाएंगे। सिमियन को कॉल कर देता हूँ कि हमें कार मिल गई है। Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. ये क्या गाइस? ये माइकल तो कार के अंदर ही बैठा है। उसने गन निकाली और फिर फ्रैंकलिन को कह रहा है कि वो उसे मार देगा। No, God, please, no, no, no! Hey, come on, man. This was a repo job. फ्रैंकलिन उसे बता रहा है कि वो ये खुद के लिए नहीं कर रहा। उसने उसको किसी ने काम दिया है तो वो वही कर रहा है। Considering my son just got the car, and looking at the way you're going about this, my guess, you're working. वो माइकल कह रहा है कि जिस तू जहाँ जा रहा है वही मुझे ले चल, और तू किसके लिए काम कर रहा है वो भी मुझे मुझे बता दे। ओके, ये कह रहा है कि तुम मुझे वहीं ले चलो जहाँ तुम जा रहे थे, मैं उससे ही डील कर लूंगा। तो चलिए अभी से सिमियन के पास ही ले चलते हैं वरना ये हमें मार डालेगा। वो कह रहा है कि अब मैं उस सिमियन के साथ ही डील कर लूंगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो हम जल्दी से इसे वहीं ले चलते हैं वरना ये हमें भी मार डालेगा। माइकल ने फ्रैंकलिन के सर पे गन रखी है तो वो ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा। माइकल ने बोला कि कार रोक दो तो हमने रोक दी। और वो पूछ रहे हैं कि वही सामने दिख रही वही जगह है, तो फ्रैंकलिन ने बताया हाँ वही जगह है। माइकल कह रहा है कि जाके उसका एक शीशा तोड़ दो और वहीं से कार घुसा दो अंदर। तो चलिए वही करते हैं वरना हमें ये मार डालेगा। हमने घुसा दिया कार को अंदर, सिमियन आ गया। Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Get out of here. Michael ने हमें पैसे दे दिए और कह रहा कि वो चला जाओ यहाँ से। ये क्या, हमें माइकल का कैरेक्टर मिल गया गाइस। हम सिमियन को मारेंगे। माइकल ने सिमियन को दबोच लिया। Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! I'm telling you something. This thing's gonna need some serious body work before it's worth $5,000 a month.
agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. ओके गाइस, तो अब हमें माइकल का कैरेक्टर भी मिल गया है। अब हम शहर में ज़्यादा बड़े मिशंस कर पाएंगे। देखिए, ये अब माइकल भी हमारा हो चुका है। अब हम दो कैरेक्टर के साथ खेल सकते हैं, एक माइकल और एक फ्रैंकलिन। ओके गाइस, तो अब हमें माइकल का कैरेक्टर भी मिल चुका है। तो यही थी हमारा आज का वीडियो। वीडियो कैसी लगी ये नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हमें आगे GTA 5 में बहुत तगड़े मिशन मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें आगे जाके सारे मिशन आप पहले देख सके। बाय।